पूर्व सैनिक शिक्षकों से पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंध में सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो कि पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने सहायक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि जो पूर्व सैनिक प्राथमिक विद्यालयों या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक या सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें शासन के शासनादेशों में उल्लिखित प्रावधान के तहत पुरानी पेंशन से आच्छादित माने गए हैं, किंतु विभाग और शासन स्तर से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया जिससे पूर्व सैनिकों को उसका लाभ मिल सके। ज्ञापन देने वालों में आनंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संत कुमार द्विवेदी, जिला अध्यक्ष अंबिका प्रसाद चौरसिया, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, भानु प्रताप दीक्षित, विनोद कुमार पाल आदि लोग उपस्थित रहे। उसके बाद क्या हुआ, एडी बेसिक के साथ वो फाइल गई, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ अभी तक कुछ उसका क्या, इसमें मतलब कोर्ट केस भी किया था क्या? कोर्ट केस कुछ लोग गए हैं सर, लेकिन अभी हम हाँ एक दो लोग कोर्ट केस में गए, अदर डिस्ट्रिक्ट अन्य उन्नाव के नहीं है कोर्ट केस में, तो अभी तक ये सर हम लोगों का कुछ हुआ नहीं और एनपीएस कटता जा रहा है। कोर्ट ने डिटेल्स मांगी थी सर, और कोर्ट ने डिटेल्स मांगी थी कितने यहाँ आपके यहाँ जो ज्वाइन किया है सर्विस में उनकी डिटेल्स, तो यहाँ से डिटेल्स तो चला गया एडी बेसिक। फिर उस दिन गठबंधन में कितने हैं आप लोग? हम लोग सर उन्नाव जनपद में 120 और उसके बाद जिलाधिकारी को भी दिया था, ये सर 18 से चल रहा है, लेकिन अभी तक लेखाधिकारी को भी दिया था, तो अभी तक हम लोग का एनपीएस कट रहा है, लेकिन हम लोग का आच्छादित हो नहीं पा रहा है, या क्लियरली हो जाए कि हम एनपीएस से बाहर हैं। आप दीजिए मार्गदर्शन के लिए भिजवा सकते हैं जी, आ जाए तो जितना कुछ जाएगा ठीक है ना जी।